हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपना किचन। आज हम आपको जो रेसिपी बताने जा रहे हैं वो है दम आलू। दम आलू बनाने के लिए हमें चाहिए आलू, दही, प्याज, ये हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार किया है, जीरा, गोलकी, धनिया पाउडर और खड़े मसाले, इलायची, लौंग और दालचीनी। देखिए, ये आलू को हम हल्के हल्के चम्मच की मदद से इस तरह से करेंगे। सारे आलू में इसी तरह से करेंगे चम्मच की मदद से। ये देखिए, ये हमने कश्मीरी मिर्च ली है, इसमें मिक्स करें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स करें और नमक, और इसे अच्छी तरह से फेटे। इस तरह से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर हम लोग छोड़ देंगे इसी तरह। आइए, हम लोग अब गैस पे जो हमने कढ़ाई चढ़ाई है उस पे हम जो हमारे मसाला है उसे हम भूनते हैं। देखिए, हमारा जो कढ़ाई है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारे मसाले हैं वो सारे मसाले इसमें हम डाल देंगे। फिर इसे हम हल्के भून लेते हैं। देखिए, ये भून चुका है। अब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे। देखिए, ये जो हमारे मसाले है वो हमने कढ़ाई से बाहर निकाल दिया है। कढ़ाई से बाहर निकाल दिया, अब इसे हम पीस लेंगे मिक्सी में। देखिए, इसमें हमने सरसों का ऑयल यूज किया है। और इसमें जो हमारा मिक्स किया हुआ जो आलू था वो हम इसमें डाल देंगे। और इसे भूनेंगे। नहीं, जब तक भूनेंगे तब तक ये लाल ना हो जाए। इसका हल्का ब्राउन कलर रखना है हमारा आलू का। देखिए, ये जो हमारा आलू है वो फ्राई हो चुका है। इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। ये फ्रेंड्स, आलू बाहर निकालने के बाद इसमें हम जो सूखे मसाले थे वो डालेंगे। जब हमारा जीरा अच्छी तरह तड़क जाए तो इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्याज है वो अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इसमें हम जो भुने हुए जो हमारे मसाले थे उसे हमने पीस लिया है मिक्सी में। अब हम वो इसमें ऐड करेंगे। ये जो हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो इसमें हम ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। भुने हुए मसाले हमने पीस लिए वो ऐड करेंगे इसमें और इसे अच्छी तरह से भुनेंगे। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद उसमें हम हल्का हल्दी पाउडर डालेंगे, कश्मीरी मिर्च डालेंगे, और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम मसाले भून रहे हैं इसके लिए हमारा जो गैस है उसका फ्लेम हमेशा लो होना चाहिए।
अगर हाई फ्लेम रखी है गैस पर तो हमारा मसाला जल जाएगा और अच्छा स्वाद नहीं आएगा। गैस को हमेशा लो फ्लेम पे ही रखें ताकि धीरे धीरे हमारे मसाला भुने अच्छी तरह से। देखिए ये जो हमारा दही है इसे हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम मसाले में ऐड करेंगे इसे भी, दही को भी, और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए अब इसमें हम थोड़ा पानी धोकर डालेंगे दही का कटोरी को, और इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, इसे छोड़ना नहीं है। अगर आप इसे दही डालने के बाद मसाले को नहीं चलाएं तो फिर हमारा जो दही है वो फट जाएगा और फिर हमारा दम आलू अच्छा नहीं बनेगा। फिर इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार लें। फिर इसे अच्छी तरह से चलाएं, गैस का फ्लेम धीमा करके रखें। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए इसे ढक कर छोड़ दें ताकि हमारा जो मसाले का जो ऑयल है वो बाहर आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा मसाला है वो तेल छोड़ चुका है। इसमें अब हम आलू ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखा था, इसमें हम ऐड करेंगे। और फिर इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे मसाले अच्छी तरह से। ये जो हमारा दम आलू है ये मिक्स होकर पानी डालेंगे और फिर इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और गैस का फ्लेम हमेशा धीमा रखें। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा दम आलू है ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें हम धनिया डालेंगे, उसमें हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी हम अपने हथेलियों पर इस तरह रखेंगे और इसे इस तरह क्रश करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर इसमें हम यूज़ करेंगे। हल्का गरम मसाला पाउडर यूज़ किए हम और इसे अब गैस ऑफ कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा दम आलू है वो बनकर तैयार है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।